तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ टेक नेकबर्ड 4000B वर्सेस एरोमा स्टार के साथ। आपको बता दूँ कि ये दोनों ही एयरफोन जो है काफ़ी कम प्राइस में आते हैं और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी कंपेयर करके बताऊँगा, इसकी कॉलिंग की बताऊँगा और इसके बारे में बाद में इसका जो बैटरी चार्जिंग को कितना टाइम लेता है, दोनों में से कौन सा बढ़िया जो मुझे लगता है प्रोडक्ट इसके बारे में। तो ये टेक नेकबर्ड जो है ये नया एयरफोन मैं अभी देख रहा हूँ। बात करते बिल्ड क्वालिटी वाइज़, तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है मुझे टेक नेकबर्ड जो है लुक वाइज में काफ़ी अच्छा है। इसकी जो प्लास्टिक की जो है मतलब लुक वाइज ओवरऑल मैं बोलूँगा बिल्ट वाइज में थोड़ा सा नॉर्मल हल्का फुल्का मतलब जो है बिल्ट क्वालिटी है इसका। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप काफ़ी ज़्यादा हिलने वाले हो। तो ओवरऑल एक बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं इसको स्टार से कंपेयर करूँ तो लगभग दोनों का सेम ही है, ओके ही है, ना ही अच्छा बोलूँगा ना ही बुरा बोलूँगा। यहाँ पर बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के मामले में। तो साउंड क्वालिटी के बारे में भाई इसके अंदर बेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा व्हेन इट कंपेयर्स टू एरोमा स्टार से। तो इसके अंदर बेस काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे एयरफोन खोज रहे हो जो आपको बेस पे मांगता है, लेकिन अगर आपको मैं एक और भी ऑप्शन बताऊंगा, अगर आपको चाहिए कि इससे भी कम दाम में अगर आपको एक बेस वाला एयरफोन खरीदना है तो FPX का गोल्फ है वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैंने ये जो एयरफोन जो मैंने देखा टेक नेकबर्ड 4000B मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ इससे, क्योंकि इसकी जो बेस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाद बात करते हैं इसके कॉलिंग एक्सपीरियंस। तो भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ, अगर आप जगह पे खड़ा रह के अगर आप बात करते हो तो आपको ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हो। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप चलोगे ना डेफिनेटली आवाज़ ब्रेक करेगा। तो सिर्फ ENC जो सपोर्ट होता है और जो डुअल माइक सिस्टम होता है वही इस चीज़ को सपोर्ट करता। तो ये जो भी नेक बैंड है ये डिलीवरी कुरियर वाले लोग के लिए बिल्कुल भी बना नहीं है, कॉलिंग नॉर्मल आप खड़े रह के कर सकते हो, तो उतना ही है। इसके बाद बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो बैटरी के अंदर जो एरोमा स्टार है 50 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप देता है और 3 घंटे लगते चार्ज करने में, ये जो बैटरी बैकअप है आपको 20 आवर्स ऑफ देगा और 1.5 घंटा लगता है चार्ज करने में। वैसे मैं आपको बता दूं अगर आप हैवी यूसेज करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो, तो आपका जो एरोमा स्टार है वो सिर्फ 1 दिन का बैटरी बैकअप देगा अगर आप बहुत हैवी यूज़ करते हो। अगर आप मॉडरेट टू हैवी यूज़ करते हो तो 2.5 दिन तक आपका निकल जाएगा। और इसकी भी अगर मैं बात करूँ, अगर आप बहुत हैवी यूज़ करते हो तो आपका ये आधा दिन में भी ये ख़त्म हो सकता है, और अगर मॉडरेट टू हैवी यूज़ करते हो तो 1 दिन ये आराम से निकल जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया, अगर आप एक बेस के लिए लेना चाहते हो तो बेस के लिए टेक नेकबर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल भी बता दूँ। लेकिन एरोमा स्टार भी जो है वो ओवरऑल एक बैलेंस प्रोडक्ट है, लेकिन बेस के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं बोलूँगा FPX गोल्फ को मैं ज़्यादा करके रिकमेंड करूँगा, जो कि 450 रुपये में इस वक्त अवेलेबल है।